अस्सलाम वालेकुम, शहजादा ढाबा एंड ब्लॉग चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत वेलकम और इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे गोश्त की कलौटी कबाब, जो खा के मुंह में घुल जाते हैं। इसको तो बिना दांतों वाला भी खा सकता है। ये है एकदम नवाबी स्टाइल वाले कबाब, जिसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने नवाबी कच्चे गोश्त के कबाब की रेसिपी। कच्चे गोश्त के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो रूखा कीमा। यहाँ पर शामिल करूंगी मैं प्याज और पपीते का, कच्चे पपीते का पेस्ट, और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने डाल दी है अदरक लहसुन का पेस्ट। को एक छोटा कच्चा पपीता लेना है मीडियम साइज का, और उसका 1/4 पार्ट ही आपको इसमें डालना है जी। तो अब शामिल कर देंगे हम इसमें नमक, जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देना है पूरा, ताकि इसमें सारा पेस्ट हमारा मिक्स हो जाए। ये हमारा पेस्ट मिक्स हो चुका है। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 5 घंटे भी आप इसको आराम से रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतनी अच्छी ये हमारा कबाब बनके तैयार। तो यहाँ पर बना लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, अमचूर पाउडर और जीरे की चटनी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। ये हमारी कबाबों की चटनी है। इस चटनी के साथ आप कबाब खाएँगे तो उसका मज़ा ही बेहतरीन से बेहतरीन हो जाता है। तो बस हमने बना लिया है यहाँ पर चटनी। अब 4 घंटे हमारे कीमे को रखे हुए हो चुके हैं। इसने कीमे ने पानी पूरा छोड़ दिया। मैं आपको टिप देती हूँ, ये जो पानी है आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ हम कबाब बनाएंगे ताकि हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बने। यही एक मेरी टिप है, जो सीक्रेट टिप है, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल बनके सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर मैंने लिए हैं हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और 10 से 12 हरी मिर्च जो मैंने चॉप्ड कर ली है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको इसका पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है। मोस्टली लोग इसका पानी फेंक देते हैं और उनके कबाब टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है भुना हुआ बेसन। आप यहाँ पर चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेसन डालने से ये सारा पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, कबाब हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। अब आप कहेंगे हमें भुना बेसन कितना डालना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको भुना बेसन इतना डालना है कि आप जब इसको मिक्स करें और कबाबों को जब हाथ मिले तो पानी आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। बस इस स्टेज तक ही हमें इसको बेसन को डालना है। ये देखिए मैं इसको मैश कर रही हूँ। जब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जब हाथों पे कबाब लूँगी बनाऊँगी तो पानी पानी हाथ में नहीं होगा, क्योंकि ये भुना हुआ बेसन पानी को ऑब्जर्व भी कर लेता है और हमारे कबाबों को बहुत सॉफ्ट बना देता है। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हमें इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और आप लोग जो है एक हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है ये, मतलब मिर्चें हाथ में आपके बहुत जल्दी लग जाएंगी। तो हमारा कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम चढ़ा देंगे एक पैन। पैन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पैन आपको थोड़ा सा गहरा ही लेना है, क्योंकि कबाबों में पानी होता है, छींटी उड़ सकती हैं आसपास। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो है थोड़ा सा गहरा पैन लीजिए, ताकि आपके आसपास का एरिया बिल्कुल ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, मैंने सरसों का तेल लिया है, और मैं तेल, आप देखिएगा इतने से तेल में मैं सारे कबाब सेक लूँगी जी। नॉन स्टिक का यही फ़ायदा है कि आपके कम तेल में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कबाब मेरे बिल्कुल, कीमा बिल्कुल रेडी है। अब देखिए मैं अपने हाथों में जब लूँगी ना, तो मेरे हाथों में बिल्कुल पानी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बेसन ने जो है वो पानी सारा ऑब्जर्व कर लिया है। अब देखिएगा जब आप इसको अपने घर पे बना के देखेंगे ना, जब खाएंगे ना, तो इतने सॉफ्ट, इतने गलौटी कबाब होते हैं ये, इतने ज़्यादा कि मुँह में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन में कबाब डाल दिए हैं। आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, ना आपको इसको हाई फ्लेम पे सेकना है, ना स्लो पे। स्लो पे सेकने से ये कबाब फैल सकते हैं, और हाई फ्लेम पे सेकने से ये ऊपर तो सेक जाएंगे मगर नीचे अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आपको इसको मीडियम फ्लेम पर जो है सेकना। देखिए हमने, मेरे नीचे से कबाब सेक चुके हैं, कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत से कबाब लग रहे हैं।
रेड रेड, बिल्कुल कितना अच्छा कलर आ चुका है इनमें। बस इसे आप सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से आपको इसको पलटना है, बहुत हल्की हल्की, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये फैलने का डर रहता है इनमें जी। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके बाई चांस आपके कबाब फैल रहे हैं तो कीमे में आप एक चम्मच कॉर्नस्टार्च पाउडर डाल दीजिए जी। ऐसा करने से आपके जो सी कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं फैलेंगे जी। तो हमारे कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब आ गई है प्लेटिंग की बारी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, सर्व करेंगे इसे हम चटपटी सी अपनी चटनी के साथ, जो कि खट्टी और चटपटी है। बहुत मजे की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अभी आप देखिएगा इसकी सॉफ्टनेस को, कितने सॉफ्ट बनके ये तैयार हो चुके हैं। हाथ में आते ही ये एकदम से टूटने लगते ही देखिए। बस हमारे कलौटी कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको हम कच्चे गोश्त के कबाब भी कहते हैं। आप इसे कचौड़ी के साथ, पुलाव के साथ या पूरी के साथ, आप पराठे के साथ आप इसको सर्व करिएगा। पुलाव के साथ भी ये बहुत मजे की लगती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।